हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग जीके टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पेपर पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम में मिला था, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे आज। पहला प्रश्न कल का था, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? पेनिनसुलर रिवर कौन सा है इनमें से? गंडक, कोसी, कृष्णा, सतलज। तो प्रायद्वीपीय पोर्शन भारत के इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भारत का एक नक्शा बना दिया मैं ऐसे ऐसे करके, इधर थोड़ा कचरा हो गया तो इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये जो प्रायद्वीपी पोर्शन है, इधर का जो पोर्शन है प्रायद्वीपी, तो यहाँ पर जो नदी बह रही है ऐसे, ये नदी होगी प्रायद्वीपी, तो ये कृष्णा नदी। कौन सी नदी होगी? भारत की प्रायद्वीपी नदी है। गंडक, कोसी और सतलज, ये दोनों तीनों जो है उत्तर भारत की नदी है, ठीक। इसमें गंडक और कोसी तो गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो कच्चा माल है जो भारत में बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत ही सरल प्रश्न है। भारत में मैक्सिमम जो बिजली उत्पादन होता है वो कोयला के थ्रू होता है, ठीक है। भारत की बात कर रहा हूं, अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो वहां पर यूरेनियम का ज्यादा यूज होगा, इंडिया में कोल, याद रखना। अगला प्रश्न है कि रिवर बेसिन में कौन सा सॉइल आपको दिखाई देगा? रिवर बेसिन, रिवर बेसिन को बोलेंगे हम नदी घाटी में या तटीय मैदान में। तो इसका आंसर है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा आपको नदी घाटी में दिखाई देगा। नदी के किनारे किनारे जलोढ़ मृदा फैले होते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कहां पर एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि का सही स्थान है? गुर्दे के ऊपर, गुर्दे के नीचे, मेड्यूला ऑब्लॉगेंटा के ऊपर, अग्नाशय के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबव किडनी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि सर अगर कुछ क्वेश्चन विलोपित हो गया, अगर हमने बनाया 100 प्रश्न है, आपके प्रीवियड में 100 आएगा ना, माइनस मार्किंग कोई नहीं है, आपने 100 में 100 बना के आया और मान लो 3 क्वेश्चन विलोपित, विलोपित का मतलब होता है डिलीट हो गया, तो क्या होगा? तो ये 3 मार्क्स काउंट ही नहीं होने वाला, समझ रहे हो? ये जो 3 क्वेश्चन विलोपित हो गया उसका मार्क्स थोड़ी काउंट होगा, तो ये आपके वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। इसका आंसर देख लो कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स होता है, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पढ़ा होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पे अपकेंद्री बल जो है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। सेम मक्खन से क्रीम निकलता है ना, दही क्या बोलते हैं, घी निकालने से पहले मक्खन जो बनता है, दही से जो मक्खन बनता है, मक्खन, वो मक्खन भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल से ही अलग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि द लेंस यूज इन द सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? तो वो उसका आंसर है कॉन्वेक्स। याद रखना, कॉन्वेक्स ऐसा लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु से बड़ा इमेज भी बनता है, वस्तु के बराबर इमेज भी बनता है और वस्तु के छोटा इमेज भी बनता है, मतलब एनलार्ज इमेज बनेगा, इक्वल साइज इमेज बनेगा और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा कॉन्वेक्स में। लेकिन कॉन्केव लेंस में केवल डिमिनिश्ड छोटा इमेज बनेगा, ये भी एक बार एग्जाम में कई बार आया हुआ है, याद रख लेना। कॉनकेव लेंस में केवल छोटा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत में के मैप में सबसे जो पूर्वी राज्य में फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश है, एपी। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विच बॉडी वॉटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये समुद्र में एक वर्चुअल रेखा है, वर्चुअल लाइन है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ठीक। द डीपेस्ट लैंड लॉग्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया? तो वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है एक तो गहरा है और सुरक्षित बंदरगाह है, तो इसको सुरक्षित कौन करता है? तो एक डॉल्फिन नोज नामक एक पर्वत नहीं बोलना चाहिए उसको, छोटा सा पठार जैसा, वो
चक्रवात से विशाखापट्टनम पोर्ट की बंदरगाह की रक्षा करता है, डॉल्फिन नोज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऐसा त्योहार है जिसमें नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो वो है ओणम। ठीक है, ओणम जो है इसमें नौका दौड़ लगाई जाती है। ये एग्जाम में आता है प्रश्न ऐसे क्वेश्चन। फिर अगला पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किसके समर्थन में की थी? तो इसका आंसर है, ये एक पीजेंट मूवमेंट था। पीजेंट मतलब किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और चंपारण सत्याग्रह भी पूछा जाए तो वो भी एक पीजेंट मूवमेंट था। चंपारण खेड़ा दोनों पीजेंट मूवमेंट है। और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जिसमें वो मीलों मजदूरों के समर्थन में उन्होंने आंदोलन की थी। अगला प्रश्न है, दो महान मुगलों में ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है, देयर ओन मेमोरीज। तो वो है बाबर और जहांगीर। इनका नाम याद रखना, इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक, बाकियों के जीवनी मिलेगा, आत्मकथा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नोन एज, लाला लाजपत राय को किस नाम से पुकारा जाना जाता है? तो वो है शेरे पंजाब। उनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द ईयर डैश इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वो है 1921। ये इसके बाद से ना भारत की जनसंख्या में, भारत की जो जनसंख्या है उसमें एक अंतर दिखाई देना चालू हो गया, वो भी ग्रेट डिवाइड। इसलिए उसको ग्रेट डिवीजन या महान विभाजन रेखा भी कहते हैं उस एरा को, 1921। ये सीजीपीएससी में बना है प्री में। भारत में वन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ये 2019 के अकॉर्डिंग ना, तो ये आ जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो ये है 16वां भाग, 16। भाग 16 और आर्टिकल 343 से 351। 343 एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि 341 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो ये राजभाषा से संबंधित है, याद रख लेना। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आप लोग मूल अधिकार वाला जो टॉपिक है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अच्छे से कर लेना, वहां से एक क्वेश्चन बनेगा ही। इसका आंसर अभी है आर्टिकल 19। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त अब सैन्य अभ्यास, जिसे हम लोग बोलते हैं इंद्र, नेवल इंद्र एक्सरसाइज, ठीक है, ये आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना, इंद्र हमेशा भारत और रशिया के बीच होता है, भारत और रशिया, रूस। 19th प्रश्न कल का है, लोकसभा की बैठक करने के लिए गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या है? तो हमेशा ये 1/10 होता है, याद रखना, 1/10। ऑप्शन डी, सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग। 20वां है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये 11 है अभी वर्तमान में। मूल संविधान में 10 थे, एक बढ़ाया गया। मूल संविधान में एक्चुअली था ही नहीं है, ये अब जब संविधान पढ़ोगे समझ में आएगा, मूल संविधान में नहीं था। इसे बाद में 10 रखा गया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक बढ़ा के 11 कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 11 है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे निम्न से मापा जाता है, लैटिट्यूड, कौन सा, कहां से इसका एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है? तो ये सेंटर ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बना ये। लैटिट्यूड हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से नापा जाता है, ठीक है, इसे भी याद रख लेना। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक, ये टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन इस साल बनेगा, याद रख लेना, एक आध दो क्वेश्चन हमेशा इस बार आएगा टोक्यो ओलंपिक से। तो टोक्यो ओलंपिक से जो प्रश्न बनेगा बनेगा ही, इसको लिस्ट देख लेना, किसने कौन सा पदक जीता। तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता है, तो वो कौन सा पदक है, कांस्य पदक है, इसको भी याद रखना। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम भी याद रख लेना, लवलीना इनका नाम है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, ये भी प्रश्न बनेगा।
24th देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कंपटीशन एग्जाम में, ई रूपीज का आंसर होगा कि भारत का पहला डिजिटल पेमेंट बोर्ड कौन सा है, तो ई रूपी। और लास्ट क्वेश्चन है कल का, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया, तो उनका नाम है दीपक दास, इसको याद रख लेना। तो ये टोटल हमने 25 प्रश्न देखा, ठीक है, इसका पीडीएफ मिला था आपको टेलीग्राम में। अब नेक्स्ट टेस्ट भी आपको मिलेगा बहुत जल्द, जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का होगा आई थिंक। तो जिसका भी जितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताना, टोटल 25 मार्क्स का टेस्ट मान लो, 25 में कितना मार्क्स आपको मिल रहा है बता दे कमेंट करके मेरे को, है ना। और मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसको यहीं पर आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, तो इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग मुझे वीडियो के एंड में, अभी एंड में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।